हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मिनीचर कलेक्शन। एक एक करके मैं दिखाऊंगी, एक एक सेक्शन करके जो जो मेरे पास अवेलेबल है अभी तक मेरे स्टॉक में। ये पीने के लिए नहीं है, पहले मैं बोल दे रही हूँ। मैं आपको किधर में रखती हूँ, कैसे रखती हूँ, वो भी आपको मैं शो करूँगी वीडियो के एंड में। सो एंड तक बने रहिए। ये एक्चुअली मेरा है जो कलेक्शन है, ये मेरा एज अ हॉबी आप बोल सकते हो, हॉबी के लिए मैं ये कलेक्ट करके रखी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ये सेक्शन आप देख रहे हो, ये गोवा फेमस फेनी का है। तो इनमें से आप देख रहे हो, ये है काजू फेनी, ये आपका काजू फेनी है। देन ये है आपका कोकोनट फेनी, ये एक्चुअली लैम्प है। उसके अंदर जैसे पहले का लैम्प आता था वैसा ही इसके अंदर ऐसा बॉटल एक रखा हुआ है। ये भी आपका फेनी है। सॉरी अगर टूट गया ना मेरा सामान। ये आपका ये भी प्रीमियम कैशू फेनी, ये भी ओके। देन ये आपका अलग अलग डिजाइन किया हुआ फेनी है, काजू फेनी है, आपका कोकोनट फेनी है, इस तरीके से। ये शिल्क का आप मेरे पास है, ये टाइप का है शिल्क का। और उसके बाद आपका ये और एक है, ये मुझे बहुत क्यूट लगा, ये एक है फेनी। फिर ये अभी भी मैं बॉक्स पैक जैसे वैसे ही रखी हूँ। ये है एक फेनी, ये भी आपका काजू फेनी है। देन क्रिसमस स्पेशल गोवा का, ये देखिए। देन ये भी बहुत सुंदर है। और ये सब मेरा बहुत सालों का कलेक्शन है, मतलब मोर देन 12 इयर्स ऐसा करके मेरा कलेक्टेड है। तो आप मत समझिए कि मैंने अभी खरीदी हो, 12 इयर्स से ज़्यादा हो गया एक एक करके मैंने कलेक्ट करते हुए। ये एक है, इसका मुंह में ऐसा बॉटल, ये पकड़ लो ऐसा सील है, फिर भी क्या होता है एवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसा फिश का फेस है, फिश के अंदर ये फेनी डाला हुआ है। देन ये आप लोगों ने शायद जो भी गोवा विजिट किए हुए देखे हो मिनीचर में, ये फेमस है। देन ये और एक है। और फेनी का क्या होता है ना, बोतल के हिसाब से लोग प्राइस पकड़ते हैं, और सबको मैं प्राइस इसलिए बोल भी नहीं सकती। जैसे इसका लिखा है 135, तो मैं प्राइस सबको बोल भी नहीं पाऊंगी क्योंकि किसी का लिखा है किसी का नहीं लिखा है, बोतल के लिए बस उसका प्राइस है। ये एक है, ये सिंपल है। और ये दोनों जो है बल्ब जैसा, ये 150 करके, एक काजू फेनी है एक कोकोनट फेनी है। और लास्ट ये है पॉम फेनी, पॉम ट्री से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपने देखा फेनी का, देन है ये वोडका का कलेक्शन। वोडका में आप इधर मैक्सिमम आपको वैरायटी मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट में स्टार्ट करती हूँ, आपका ये स्मोक लैब है जिसका दो फ्लेवर है ऐसा, ओके, वाइट एंड ब्लैक। इसका प्राइस है 170-180, ब्लैक वन 180। फिर फेमस एब्सोल्यूट का, एब्सोल्यूट का आप इधर फोर टाइप का देख पा रहे हो। उनमें से एक है लेमन, एक है नॉर्मल, एक है आपका मैंडरिन फ्लावर का, और एक है रेसबेरी इम्पोर्टेड। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट का चार टाइप है, ओके। और इसका प्राइस आपका वही एवरेज में 130 एब्सोल्यूट का, और ये सभी है 50 ml का। देन आपके पास मेरे पास है
सिल्वर स्वैन ये वाला, ये भी वोडका है। ये प्राइस आपका लिखा होगा कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, लिखा ठीक से नहीं है ये। देन वेलवेट्रे का दो है, क्योंकि इन दोनों का आप कैप देख सकते हो अलग, मैंने इसलिए लिए थे। ये ऐसा ब्लैक है और इसका आपका नॉर्मल जैसे कैप होता है। ये आपका हो गया मेरा 10 साल, तभी लिया था 384। टू वेलवेट रे, एक ग्रेबूस का है, ये भी 10 इयर्स हो गया इसको लेते हुए। इसका भी प्राइस लिया था आपका 470। देन नियोन का मेरे पास 3 है, एक है नियोन ऑरेंज, एक है नियोन कॉफी और एक है नियोन पाइनएप्पल। ये ओके। देन आपका आर्टिक, आर्टिक का 2 ही आता है अभी तक तो, मैंने 2 ही देखी हूँ, एक है प्लेन, एक है ग्रीन एप्पल। देन मैजिक मोमेंट, मैजिक मोमेंट का एक है लेमन ग्रास एंड जिंजर और एक है डिस्टिल्ड जो नॉर्मल आता है। इसके बाद है आपका एरिस्टोफ का, ये एरिस्टोफ। देन स्मिनोफ, स्मिनोफ का मेरे पास है आपका ग्रीन एप्पल है, ट्रिपल डिस्टिल्ड एक है, एक है एस्प्रेसो और एक है ऑरेंज और एक है आई थिंक ये सिट्रस। हाँ ये है आपका स्मिनोफ। तो वोडका में मेरे पास है कितना हुआ, 2 8 more than 20। ओके देन नेक्स्ट मैं आपको क्या दिखाऊँ, नेक्स्ट टेकिला दिखाती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स अभी और एक चीज बकरडी का मुझे, यस सॉरी स्मिनोफ का और एक मिला, वेनिला का था मेरा, उसमें मुझे पता नहीं चला। ओके देन आपका आ रहा है ऑल शॉर्ट्स, शैम्पेन और मुझे कुछ पता नहीं हो क्या है विस्की शैम्पेन क्या है, जीन एंड टकीला। ओके तो ये है आपका जिमाजोर का 2 वेरिएंट है, ये टकीला है। ये आपका प्राइस 130 करके, 130 153। एक है टकीला सिल्वर और एक टकीला रेपोसाडो, आई थिंक आई प्रोनाउंस राइट। ओके देन टकीला का ये एक है, ये कुछ अजीब ही नाम है, ये भी रेपोसाडो है। ये प्राइस आपके इधर मेंशन है 275। और ये जो प्राइस बोल रही हूँ आपका, इससे आप ही मैक्सिमम पकड़ लीजिए, क्योंकि मेरे आपको जैसे बोला पुराना कलेक्शन है तो प्राइस इसका अभी बहुत बढ़ गया है काफ़ी चीज़ों का। कुछ चीज़ों का शायद सेम भी मिलेगा, कुछ चीज़ों का बहुत हाई भी मिलेगा, इसका मुझे प्राइस नहीं पता। ये भी एक टकीला है, इसका प्राइस इधर किससे कट गया शायद, ये कॉस्टली में ही आता है ये वाला, सॉरी नहीं पहले ये विला का है जो गोवा में मिलता है, ये टकीला है, इसका 100 रुपीस लिया था, ये भी बहुत पुराना है। हाँ 2014 मैन्युफैक्चर, आप सोच सकते हो पुराना है मेरा ये आई थिंक, आई डोंट नो ये टकीला है कि शॉर्ट्स से मुझे नहीं पता, ये 100 रुपीस का है। डेसमोंजी कुछ ऐसा नाम है इसका। देन ये और एक है पेप लोपेज, ये भी टकीला है, ये 180 का है। ओके देन ये है आपका शैम्पेन का,
ये है शैम्पेन, इसका जो से स्टिकर निकाला दिया है आप देख सकते हो, तो मैं प्राइस नहीं बोल सकती। ये भी कुछ 300-500 कुछ ऐसा ही प्राइस था। ये भी मेरा बहुत पुराना है, 10 ईयर्स हो गया मोटे इसका भी। आपको मिलेगा भी क्या नहीं पता नहीं है, ट्राई कर सकते आप हुआ होगे तो। ये डॉट शॉट है, देन इसका ना मुझे पता नहीं, कुछ चीज़ें जैसे मुझे पता नहीं है कि वो क्या है एग्जैक्टली, ये कुछ अलग इटली का है, प्रोडक्शन फ्रेंच का है, तो पता नहीं है मुझे, उसमें मेंशन नहीं है। तो ये एक है मिनिएचर, ये लिक्विड का कलर ही आप देख रहे हो ग्रीन है। इसका भी कुछ 300-500 कुछ ऐसे लिया था एग्जैक्टली याद नहीं है। ये एक है टेंसी बोल के, कोबिनेक बोल के, वेरी स्पेशल कोबिनेक, और बाकी पता नहीं है। ये 256 से भी जैन 2014 मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये प्राइस का कुछ होगा एक प्रॉब्लम। ये कैंपेल का है, ये भी मुझे नहीं पता क्या है, तो एल्कोहल तो है इसमें 25%, बट चीज़ क्या है मुझे नहीं पता, मीन्स कौन से कैटेगरी में आता है, इसलिए मैं इस कैटेगरी में रखी हूँ। 135 पर है। देन अभी मैं कुछ ये भी मुझे नहीं पता, ये लिक्वर है बट क्या है पता नहीं, पॉइंट ट्री बोल के, ये 265 लिखा है, ये और भी पुराना है, 2012 का है। अभी मैं दो तीन ड्राई जीन या जीन दिखा रही हूँ। एक है बॉम्बे सफायर, ये तो बहुत ही पुराना है, 2010 में इसका प्राइस था 265। देन है डिफिटर, ये सस्ता ही होगा, 130 कुछ ऐसा ही होगा। और ये है ब्लैक ज्वेल, ओके। तो अभी मैं जो लेके बैठी हूँ इसमें आपका वाइट रम है, विस्की है, स्कॉच जो होता है वेरिएंट होता है अलग अलग, पोर्ट वाइन वो सब है। और हाँ मैं एक चीज़ आपको भूल गई थी, जस्ट अ मिनट, इधर ही रखी थी भैया, हाँ फेनी का ये और एक था मेरे पास, ओके। ये आपका अभी निकला, एक एक करके निकलते हैं, मीन्स कन्फ्यूज हो जाती। और इसके बाद मेरा थोड़ा सा बिग बॉटल का ही कलेक्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जो फॉर शो के लिए मैं रखी हूँ, ओके। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ आपका वाइट रम से। तो वाइट रम पे ये मकाई गाय का दो वेरिएंट है, बकरडी, उसके बाद है बकरडी का ये एक अलग है और ये अलग अलग फ्लेवर का है, जैसे ये रेस है, ये प्लेन बकरडी ओल्ड वाला, ऐसा ही बोतल आता था ओल्ड वाला। देन ये है एप्पल, ये है आपका ऑरेंज ओ बकरडी ओ, और ये है बकरटी ब्रांड बोल के, ये और एक है अलग टाइप का। देन आपका मैं विस्की वो सेक्शन में जाती हूँ, उससे पहले मैं दो वाइन दिखाती थी, पोर्ट वाइन और भी दो है, एक रेड वाइन है एक पोर्ट वाइन है, ये दोनों। देन आपका है क्रोसंस रिजर्व का, ये प्रीमियम विस्की है। ब्लैक डॉग का मेरे पास दो टाइप का है, ग्लास बोतल भी है प्लास्टिक बोतल भी है। ग्लास बोतल है आपका एजेड रेयर में आता है, कितना क्या पता नहीं चला क्योंकि बहुत पुराना हो गया, एक बार फेडेड हो चुका है। दो टाइप का है ब्लैक डॉग का, एक ग्लास का एक प्लास्टिक का जो बोतल आता है। देन आपका ये है हाई ब्रिज का, देन टीचर्स का
ये है ग्लास बॉटल, ये है प्लास्टिक बॉटल, ये और एक है प्लास्टिक बॉटल। ये ओरिजिन है टीचर्स, ये टीचर्स स्कॉच फिश की है और ये 50 इयर्स ओल्ड है। तो टीचर्स नहीं और एक है, सॉरी ये और एक है, तो टीचर्स का ये चार है। ओके, चार टाइप का। देन आपका है 100 पाइपर्स, एक है 100 पाइपर्स ये। देन ब्लैक लेवल एंड वेट लेवल, ये दो। देन आपका है कैप्टन मॉर्गन, देन जैक डेनियल, उसके बाद है ब्लेंडर स्प्राइट, डीवर्स और हाँ ये है मास्टर इंपीरियल। देन है आपका गोल्डन टच, उसके बाद ये है कुछ ब्लू, ऑफिसर चॉइस ब्लू बोल के कुछ आता है, उसके बाद ओनो। तो आप देख पा रहे हो और कुछ बाकी रहा, हाँ और एक है ये कुछ कॉफी लिकर है, ये एक है, बस इतना। तो चलिए और मैं इसके बाद आपको दिखा रही हूँ मेरा जो बिग का कलेक्शन है, उसके बाद मैं आपका पूरा जिधर मेरा रहता है वो सेट करके मैं दिखा रही हूँ। सो और भी कुछ बाकी रह गया था बॉक्स के, तो उनमें से है वैलेंटाइन का दो, आपका दो वैलेंटाइन। देन है आपका डेली बोल के कुछ है, आपका ये क्या है पता नहीं है ये। देन आपका है पॉल जॉन का, ये स्कॉच ऑफिस की है। उसके बाद शिवा श्रीगल, उसके बाद डीएनली वेट कुछ ऐसा है। देन फेमस सिग्नेचर, ये ग्लास बॉटल है लेकिन अभी मिलेगा भी नहीं आपको, ये बंद हो चुका है बहुत साल हो, ये मेरा 15 इयर्स पुराना है। उसके बाद है गोल्फर्स शॉट, उसके बाद जैक डेनियल का दो टाइप का है, उसके बाद ये है सिंगल मॉल्ट बोल के कुछ है पता नहीं। उसके दिन ये छोटा सा है ओटर्ट बोल के, ये प्लास्टिक का बोतलों में से क्या होता है ना, इवेपोरेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, फिर भी ये बहुत पुराना हो गया। ये गोल्ड टेस्ट बोल के है, देन ग्लेनफिडिक बोल के है ये, हेड 69, ये और भी दो टाइप का मेरे पास ब्लैक डॉग है, ट्रिपल गोल्ड और ब्लैक ब्लेजर। देन ये मॉर्फियस है और हाइबरी क्लासिक है, डेली का ये और एक है, एक कटी शार्क केक है,
जिम बीम का भी जिम बीम भी है। सॉरी, तब मैंने ना जैक डेनियल का दो दिखाया था, उनमें से एक जिम बीम था। और अभी बाकी आई थिंक आप लोग को सब मैंने दिखा दिया। और जो पिंक बॉटल का आपका बोल रही थी, ये एक फेनिका है। ये भी कैशू फेनी है, ये बॉटल आप देख रहे। और ये जो है ऐसा, ये नहीं, कोई स्टिकर नहीं है, ये कलर ही ऐसा ब्लैक और ये हाफ। ये और एक है फेनिका, ये फेनिका अच्छा अच्छा बॉटल मिल जाता है डेकोरेट करने के लिए। उसके बाद स्पेशल एडिशन का है आपका वन ट्रेजर का। ये इसका जो अंदर में रेड वाला है ना, इवेपोरेट हो चुका है काफी। इसका बॉटल बहुत यहाँ से, ये अलग अंदर ग्लास का है जिसमें आपको रेड फुल था, अभी सिर्फ ड्राई पूरा लिक्विड आपका इवेपोरेट हो चुका है। और ये गोन ट्रेजर का दो ही बॉटल निकला था, दोनों एडिशन ही मेरे पास है। ये तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्योंकि मैंने नया पेंट किया है तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये जो देखिए नीचे कलर भी थोड़ा लग गया, ये है मेरा पूरा कलेक्शन। आपको साइड से भी दिखा रही हूँ, से भी अभी देखिए। और इसका डोर ऐसे आप क्लोज कर दोगे, लॉक लगा दोगे तो रेडी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आपका फाइनल सजाने के बाद इस तरीके से दिखेगा। आफ्टर इसकी ड्राइविंग इसकी तो ये है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।